बच्चों वाला तरीका है इवन डिवाइड बाय टू, ये देख पता है अगर ये इवन नंबर का ना तो ये जीरो ही होगी बिट, क्योंकि एल एस बी जो होती है ना आपके आंसर की, वो अगर जीरो हो तो नंबर क्या है इवन, अगर वो वन है तो नंबर क्या है ऑड, अगर टू रेस पावर जीरो होती है ना वन होती है या जीरो हो सकती है, तो यहाँ पे क्या बचा बाकी 350, अभी भी जीरो ही आएगा, क्या बचा 175, वन क्या बचा 87 सॉरी, वन क्या बचा 43, वन क्या बचा 21, टू नहीं 21, वन क्या बचा 10, वन क्या बचा 5, वन क्या बचा 5, ये आपका नंबर बन गया। अब इसको या तो आप ये कि पेपर ऐसे उल्टा कर लें, या आप अगर वो मुश्किल लग रहा आप खुद उल्टा होके ना ऐसे करके इसको पढ़ें, या ऐसे करके नंबर आपको आपको मिल जाएगा जो आपका आंसर होगा 10101110 बेस टू। तो अगर ये 700 है तो ऑटोमेटिकली आप देखें कि अगर नंबर जो है वो दो से छोटा है तो एक बिट का होगा, दो से छोटा है यानी वन या जीरो ही होगा ना वो, चार से छोटा है तो दो बिट का होगा लेस देन फोर, आठ से छोटा है तो तीन बिट का होगा मैक्सिमम नंबर 7 3 bits, 16 से छोटा है तो 4 का होगा, 32 से छोटा है तो 5 का होगा, 64 से छोटा है तो 6 का होगा, 128 से छोटा है तो 7 का होगा, 256 से छोटा है तो 8 का होगा, 512 से छोटा है तो 9 का होगा, 1024 जिसको हम K भी कहते हैं इससे छोटा है तो 10 बिट का होगा, और 2048 से छोटा है तो ये 11 बिट का होगा, 4096 से छोटा है तो ये 12 बिट का होगा, 8192 से छोटा है तो ये 13 बिट का होगा, 616384 से छोटा है तो ये 14 का होगा, और क्या ये क्या आता था 32768 से छोटा है तो ये 15 से छोटा होगा, और 65536 से छोटा है तो ये 16 से, थोड़ा सा ये आपको कोशिश करें तो ये आपको ये पावर याद होंगे, आप बचपन में इतने टेबल भी तो याद करते ही रहे ना आखिर, तो थोड़ा सा ये भी याद करें, आपके याद करने की पावर इतनी जबरदस्त है यू कैन नॉट इवन इमेजिन, और उससे आपका जो है ना याद करें चीजों को तो आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, अदरवाइज फिर वो जो है ना मोबाइल फोन की तरफ देखता है हर छोटे छोटे काम के लिए, फलां चीज का मतलब क्या है मोबाइल फोन पर देखो, फलां चीज का है मोबाइल फोन, अगर आप अपना ब्रेन यूज नहीं करेंगे तो आप टोटली मोबाइल फोन पे डिपेंडेंट हो जाए, थोड़ा सा यूज करना सीखें इसको। अगर फोर से छोटा नंबर है तो वो टू बिट का नंबर होगा बाइनरी में, अगर डेसिमल में कोई नंबर जो है ना बेस टेन का जो नंबर है वो अगर टू से छोटा है तो वो इतने बिट का होगा बेस टू में। अब इसको देखें ये 700 है तो ये कितने बिट का होगा, ग्रेटर देन 512 है, लेस देन 1024 है तो ये कितने बिट का होगा 10 बिट का होगा, तो देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको अगर आपने आंसर निकालना है तो ये हो जाएगा 1 2 4 8 16 32 64
128, 512, 256, 512. ये नंबर किसके बराबर होगा, जिनकी वेटेजेस हैं वो ऐड कर ले। ये वेटेज मेथड यही है कि अब आपने कन्वर्ट करना है तो एक ही मेथड मेरे ध्यान में आता है, वो वेटेज मेथड। क्या वेटेज ऐड करें डेसिमल में जाने के लिए। सो 512 की वेटेज है इसके अंदर, प्लस 128 की है, प्लस 32 की है, प्लस 16 की है, प्लस 8 की है, प्लस 4 की है। ये सम करें सारा कितना आंसर आएगा। है किसी के पास कैलकुलेटर? मोबाइल फोन ले लें या कैलकुलेटर ले लें। वेल डन कैलकुलेटर गाय। क्या नाम था आपका? जैन। 700 वेटेज मेथड है ये। दूसरी तरफ ये कि ये लंबा मेथड है, ये लंबा मेथड है, और अगर आपने इसको वैसे कन्वर्ट करना हो तो वेटेज मेथड में क्या करेंगे, तो ये टेबल आपको आना चाहिए। तो इस पे छोटा नंबर कौन सा है? 512 इसमें से निकाला। अब जाहिर है 256 से छोटा आंसर आना चाहिए जो इससे छोटा होगा। इस आंसर 256 से छोटा ही होगा हमेशा। तो क्या है आंसर? 188। तो यहां पे एक वन लगा दें, ये शो कर रहा है 512 वाली वेटेज इसमें है, तो ये वन हो गया। अब इसमें 256 से छोटा है तो इसका मतलब 256 वाली वेटेज इसमें नहीं है। अब इसके बाद वाली कौन सी होगी? 128 वाली वेटेज इसमें है, तो ये तो मैं भी कर लूंगा। थैंक यू सैन। 60 आंसर। तो यहाँ पे वन लगा दें, ये आपकी है 128 वाली वेटेज। तो अब 60 रह गया, 60 में 64 वाली वेटेज नहीं है, बाकी कितने हैं? और बाकी फिर 32 वाली है, तो 28 बच गया। यहाँ पे वन लगा दें, 28 को लेके आगे चलते हैं, 16 वाली है, वन लगा दें, बाकी कितना बच गया? 12। 12 का वैसे ही पता है कि 1100 होता है, तो वो वैसे लिख दिया 8 + 4 = 12। ये नंबर यहां से भी आ जाता है, ये देखिए वाला। तो दिस इज बाय सबट्रैक्टिंग द वेटेजेस मेथड। हाँ, लेकिन अगर कहेंगे अपनी वर्किंग शो करो, फिर दिखाना है थोड़ा सा, आपने थोड़ा वर्किंग शो करनी है ताकि आपको पता लगे कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। कैलकुलेटर में भी तो कोई कुछ हो रहा है ना बिहाइंड द सीन, वो आपको पता होना चाहिए कि पर्दे के पीछे क्या है। पर्दा तो उठाओ। All right, तो हम पर्दा उठा रहे हैं, हम देखते हैं कि पर्दे के पीछे क्या है। और राइट, सो एक और काम है, वो है रियल नंबर को कन्वर्ट करना। पहले बाइनरी को उसमें करें या पहले डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें? कोई नंबर बताएं, कोई 1011 छोटा सा रखते हैं, 0111 बेस 2 है। तो इसमें ये करते हैं कि इसको पहले कर लेते हैं बाइनरी में कन्वर्ट, विच इज इक्वल टू 11, 8 + 4 = 8 + 2, 10 + 1 = 11, और ये किसके बराबर होगा? इसका पेपर मेथड है ये है कि आप इसको लेकर 0.0 × 2⁻¹, ये बेसिकली ये -1 पावर है, 2⁻², है ये 0, 1, 2, 3 है, तो डेसिमल बाइनरी पॉइंट के बाद, इसको बाइनरी पॉइंट कहते हैं। उसके बाद आ रहा है -2, -4, -8, इस तरह से चलती है पावर्स, 2⁻², -1, -2, -3, -4, -5, -6, तो ये नंबर हो जाएगा 0.0 × 2⁻¹ +
वन इंटू टू रेस पावर माइनस टू प्लस वन इंटू टू रेस पावर माइनस थ्री प्लस जीरो इंटू टू रेस पावर माइनस फोर प्लस 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 वन इंटू टू रेस पावर माइनस फाइव प्लस वन इंटू टू रेस पावर माइनस सिक्स प्लस वन इंटू टू रेस पावर माइनस सेवन, सेवन डिजिट नंबर है तो माइनस सेवन तक जाएगा. तो दिस विल बी इक्वल टू, ये वाली टर्म तो जीरो हो गई, ये किसके बाद वन ओवर टू प्लस वन ओवर फोर प्लस वन ओवर एट वाली जीरो है, वन ओवर सिक्सटीन प्लस वन ओवर थर्टी टू प्लस वन ओवर सिक्सटी फोर किसके बराबर है ये देन? वन ओवर फोर वन ओवर एट है ना, वन ट्वेंटी एट है, ये वन ट्वेंटी एट है. एक मिनट एक मिनट, फोर एट सिक्सटीन वाली जीरो हो गई, थर्टी टू वाली है, सिक्सटी फोर वाली है और वन ट्वेंटी एट वाली है. सॉरी आई एम सॉरी, दो मिसिंग है, वन ओवर सिक्सटीन वाली मिसिंग है और वन ओवर टू वाली मिसिंग. भाई 2.4296875 बड़ी इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन है, पॉइंट वन इज इक्वल टू व्हाट इन डेसिमल? वन ओवर टू विच इज इक्वल टू 0.5. लोग कहते हैं यार ये कैसे हो सकता है, डेसिमल के बाद बाइनरी नंबर की इंटीजर बढ़ती जाती है, डेसिमल से पहले बाइनरी नंबर कम तेजी से बढ़ते हैं, डेसिमल के बाद वो ज्यादा तेजी से. तो 0.1 इज इक्वल टू 0.5, ऑलरेडी वी आर हाफ वे थ्रू. मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है? 0.111111, दैट इज नियरली इक्वल टू 1, जस्ट लाइक इन डेसिमल 0.999999 मैक्सिमम फ्रैक्शन यू कैन हैव. Which approach is one? है? Point one जो है, point one is what is this equal to? This is equal to one into ten raised power two raised power minus one. This is equal to one into one by two. What is this equal to? ये किसके बराबर है? 0.5 बेस 10 में 0.5 के बराबर. बेसिकली हर नंबर जो इसको देखें, ये नंबर इज नियरली इक्वल टू अगर ये सारे वन हो, दिस नंबर इज नियरली इक्वल टू अगर ये सारे वन हो, नियरली इक्वल टू. सो दिस नंबर इज 13, इसको अगर देखें तो ये 13 है, तो सारा नंबर बन जाएगा 13.4296875. ये तो आम तरीका, तो ये तो आम तरीका है कन्वर्ट करने का, कि इस तरह से आप कन्वर्ट करें, सारी वेटेजेस ऐड करें. दूसरा तरीका जो था ना, वो एक बहुत ही बड़ा साइंसदान था, शायद आपने सुना हो, न्यूटन आइंस्टाइन के साथ उसका नाम लिया जाता है. समझ आ गई ना आप लोग? उसने एक मेथड इन्वेंट किया था. अब ये कि ये कैलकुलेटर बड़ा इसमें तंग करता है, तो ही इन्वेंटेड अ मेथड कॉल्ड जे मेथड. जे से क्या बनता होगा पता नहीं, जुनेद जमशेद, वेरी गुड, जे डॉट. ऑलराइट, तो जुनेद जमशेद ने ये मेथड इन्वेंट किया था.
उसने कहा था कि अगर देखें एक चीज होती है कि अगर आप एक कोई डेसिमल नंबर ले लें, नाइन, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाता है 90। तो हम कहते हैं 9 शिफ्ट हो गया एक दफा उसकी जगह, और 9 की जगह पे क्या आ गया, 0। इसे अगर 9 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, विच इज 10^2, 10^2, तो मैं कहूंगा 900, विच इज 9 शिफ्टेड 2 टाइम्स, 10^n टाइम्स, 2 टाइम्स शिफ्ट हो गया 9। बाइनरी में भी कैसी है कि 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2^1 से तो क्या होगा, ये 10 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2। उसमें 10 से मल्टीप्लीकेशन हो रही थी, इसमें 2 से मल्टीप्लीकेशन हो रही। 1 को अगर मैं 2^2 दो दफा शिफ्ट करूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 100, 100 नहीं, 100 कहेंगे, बेस 2, 4। तो 1 को जितनी दफा इधर को शिफ्ट करेंगे उतने जीरोज ऐड होते जाएंगे, उतनी उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 बढ़ती जाए। इसको कहते हैं शिफ्टिंग, शिफ्ट फंक्शन, शिफ्ट लेफ्ट। अगर आपने किसी नंबर को 16 से मल्टीप्लाई करना है, कोई एक नंबर है a इज इक्वल टू से 5, अब इसको आपने मल्टीप्लाई बाय करना है 16, a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 16, तो मल्टीप्लीकेशन विल बी एक्सपेंसिव इन सी। तो आप क्या करेंगे, इसको a इज इक्वल टू a शिफ्ट लेफ्ट 4 टाइम्स कर लें, ये एक एक क्लॉक साइकिल में हो जाती है। शिफ्टिंग जो है सिर्फ एक क्लॉक साइकिल में हो जाती है। तो दिस इज शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन, दैट इज एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन बाय 2। और n n दफा अगर शिफ्ट करें तो मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन बाय 2^n, और शिफ्ट राइट उल्टा था। तो ये वाला आपने पता नहीं कभी यूज किया कि नहीं, ये वाली चीज शिफ्टिंग वाली चीज किया यूज कभी आप लोग क्या? मैंने ये कहा कि एक नंबर था, आपने उसको 16 से मल्टीप्लाई करना था, विच इज 2^ समथिंग। तो अगर 16 से मल्टीप्लाई करने से का मतलब ये कि आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, एक नंबर है फर्ज करें 1101 ये ले ले, इसको मैंने 16 से मल्टीप्लाई करना है, विच इज एक्चुअली दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 16, 13 के बराबर है ना बेस 2। इसको मैंने 13 को लेट a इज इक्वल टू 13, फिर मैंने कहा a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 16, तो 13 कंप्यूटर ये करेगा 13 को 16 से मल्टीप्लाई करेगा, आंसर क्या आएगा, दो सौ आठ आएगा। लेकिन अगर आप इसको ले लें 13 को 1101, इसको मल्टीप्लाई अगर 2^4 से करें, जिसका मतलब है कि 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि जिस तरह आपने डेसिमल में एक नंबर है 912, इसको 10^4 से मल्टीप्लाई करना, तो आप क्या करेंगे, 912 के साथ 4 जीरोज लगा देंगे। तो इस तरह इसके साथ भी 4 जीरोज लगा दें, मल्टीप्लाई 2 का 4 का मतलब इसके साथ 4 जीरो लगा दे, 1101000। अब इसकी क्या वैल्यू है, तो ये भी यही आएगा 208। बाइनरी में ये नंबर भी 208 है, ये क्या है? मुझे तो पता है, मैं तो फौरन देख के कर लूंगा 13 मल्टीप्लाई बाय 16 हो रहा है, तो यू काइंड ऑफ गेट दिस प्रैक्टिस विद एज। लेकिन ये कि ये किसके बराबर है, 128 + 64 + 192 + 64 इसकी वेटेज क्या है, 16, 192 + 16। समझ आ रही है इस बात की? तो बेसिकली बाइनरी में जब भी आप कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम ने आपने 2^ से मल्टीप्लाई करना है ना आपने, तो डोंट यूज मल्टीप्लीकेशन, यूज टू शिफ्ट कर लें इसको। इस
फिर आप मल्टीप्लिकेशन यूज करें मेरे भाई। मल्टीप्लिकेशन बहुत एक्सपेंसिव होती है, वो 40 क्लॉक साइकिल लगते हैं एक मल्टीप्लिकेशन करने को, जबकि शिफ्टिंग के लिए सिर्फ 1 क्लॉक साइकिल लगते हैं। तो वैसे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास बड़ा टाइम होता है, आप तो एक घंटा भी बैठे रहेंगे कोई मसला नहीं, लेकिन वंस यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन विद एवरी बिट ऑफ टाइम इज इंपॉर्टेंट, यू वांट यूजर टू हैव क्विकली गो टू द नेक्स्ट स्टेज बट इन द बाय फॉर एन आंसर आए, तो देयर इज एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, टाइम इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एम्बेडेड एप्लीकेशन राइट। सो यू डोंट, ये भी इसको अगर इससे किसी ने रिप्लेस नहीं किया तो कोई उसकी प्रोग्रामिंग स्किल पे लोग कहेंगे यार ये क्या कर रहे हैं, तो भी से आदत डालें। किसी चीज को अगर आपने इंटीजर डिवाइड करना है, जैसे 9000 है, इसको मैंने डिवाइड करना 1000 से, तो मैं बजाय इसके डिवाइड करूंगा मैं 9 को शिफ्ट कर देता हूँ 3 times, 9000 को एक दफा शिफ्ट करूंगा तो 900 बनेगा, फिर शिफ्ट करूंगा तो 90 बनेगा, फिर शिफ्ट करेगा तो 9 बन जाएगा। बेस 10 में ये हो रहा है, बेस 2 अगर 100 है, इसको मैं 8 से डिवाइड करना है, विच इज 100 डिवाइड बाय 2^3 विच इज इक्वल टू 1 को कितने 3 times 1, ये 8 था ना, 1000 इज 8, इसको डिवाइड बाय 8 किया तो 1 आंसर आ गया। So I can do 8 shift right 3 times equal to 1. Shifting right is actually any number divided by 2^n is integer. Integer भी करते हैं, fractions में नहीं use करेंगे कभी भी आप। Integer में shift use होती है, इसमें ना overflow आता है ना underflow आता है। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो बताएगी नहीं, ये आपके आपकी जिम्मेदारी है, आप ऐसे नंबर को ना शिफ्ट करें। डिजिट डिवीजन बाय 2 कई दफा चाहिए होती है, यू वांट सम नंबर टू बी डिवाइडेड बाय इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन में तो कोई इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज वो नंबर अगर 16 32 बिट से ज्यादा ही ना निकल जाए ओवरफ्लो हो जाएगा। डिवीजन में कोई नहीं आपको कुछ कहेगा, प्रोसेसर नहीं कहता कि ये एरर आ गई है, आपका आंसर गलत हो गया है, एक 1 इग्नोर हो गया शिफ्ट होने में। तो अगर 9 को मैं क्या शिफ्ट करूंगा 8 दफा 3 दफा 1001, इसको मैं डिवाइड बाय 8 करूंगा तो इंटीजर 8 करूंगा तो क्या आता है 1, ये 9 है, 9/8 भी इंटीजर डिवीजन में मान नहीं आएगा, रिमाइंडर इज गॉन। बेसिकली वो 1001 को उसने एक दफा जब शिफ्ट किया तो 100 रह गया, फिर एक दफा शिफ्ट किया वो 10 रहे, 10 फिर एक दफा 1, तो 3 दफा जब शिफ्ट किया तो 1 रह गया, वो एक गॉन। यूजुअली तो 32 बिट से ज्यादा, 32 बिट का डिजिट है उसको 32 दफा शिफ्ट लेफ्ट करेंगे 0 आ जाएगा। तो किसी वेरिएबल को 0 करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप उसको कह दें a = 0 या आप कह दें a = a shift left 32, अगर इंटीजर 32 बिट का इंटीजर है 0 आंसर आएगा, वो सारे शिफ्ट आउट हो गए सारा को आपने बेसिकली आपने कुर्सियों पे बिठाया हुआ ना, एक दफा शिफ्ट राइट करने का मतलब इस बंदे को तुम इधर बैठ जाओ, इसको को इधर बैठ जाओ, इसको को इधर बैठ जाओ, इंटीजर डेटा टाइप को आप शिफ्ट कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट को नहीं कर सकते। यार ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि नेगेटिव नंबर को बाइनरी में कैसे शिफ्ट करते हैं, उसमें एक चीज यूज होती है साइन एक्सटेंशन, वो मैं फिर जब आप नेगेटिव नंबर पढ़ेंगे ना फिर अभी ना कुछ छोड़ दें उसको, जब से नेगेटिव नंबर पढ़ेंगे ना तो फिर आप याद रखना, फिर मैं खुद ही बताऊंगा इंशाल्लाह फिर ना करें आप नेगेटिव नंबर कैसे शिफ्ट होते हैं। अभी आप पॉजिटिव इंटीजर में रहे तो उसमें बेसिकली नेगेटिव में बड़ी एक चलाकी की हुई है, बड़ा कमाल है हर चीज में, हर जगह पे
बड़े ही थॉटफुलनेस हैज गॉन इनटू दिस दीज नंबर, दिस नॉट जोक रियली, ये कमाल, इनमें काफी कमाल है इनका। एनीवे तो अब ये है कि इस नंबर को हमने जब कन्वर्ट किया तो ये नंबर किसके बराबर आया, 13 पॉइंट क्या था, 4296875। तो अब अगर ये मेरा नंबर जो है ना, वैसे मैं कन्वर्ट करूं, कैलकुलेटर पे होते हैं आपके पास बाइनरी भी होता है, हेक्स भी होता है, और तो वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को या डेसिमल रियल नंबर को नहीं कन्वर्ट करेगा, वो नहीं कन्वर्ट करेगा। उसके लिए फिर ये मैंने वो मैं पूछा था जो ग्रेट साइंटिस्ट जे से, जे डॉट से, कि भाई इसको मैंने कैलकुलेटर पर कन्वर्ट करना है, कैसे करूं। उसके लिए उसने मुझे बताया कि यार इसके गिनो कितने हैं, ये डेसिमल नंबर कितने हैं, कितने हैं डेसिमल बाइनरी प्लेसेस तक कितने हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको 2^7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये नंबर क्या बन जाएगा, ये नंबर बन जाएगा 1011101111, 7 दफा ये डेसिमल बाइनरी पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे आ गया। अब ये सारा एक इंटीजर है, ये कैलकुलेटर कर लेगा आराम से इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेगा, करें कन्वर्ट करेंगे तो वेटेज मेथड से भी कर सकते हैं आप इसको कन्वर्ट, तो कैलकुलेटर में अगर है तो उसमें भी कर सकते हैं। तो वेटेज मेथड से अगर करना 0 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 तक जा रहे हैं हम, तो 1024 + 128 + 64 + 256 256 भी था, हाँ 256 + 128 + 64 64 नहीं है, हाँ ठीक है 512 मिसिंग है, वो लिख लेते जो मिसिंग, 512 मिसिंग है, 256 है, 128 है, 64 मिसिंग है, और 32 है, 16 है, 8 मिसिंग है, तो वो नहीं लिखते, 128 + 32 = 64 वो मिसिंग है, +32 + 16 + ये 7 है, ये इसका तो वैसे ही मुझे बता कि 111 = 7, तो निकालेंगे कितना आंसर आता है, 1414693। ये आ गया ये नंबर। अब जब हमने ऊपर 2^7 से मल्टीप्लाई किया था तो अब दोबारा क्या करें, डिवाइड भी कर दें 2^7 से, मल्टीप्लाई किया था डिवाइड भी करें, करें डिवाइड, ये तो आप कैलकुलेटर पे आराम से कर सकते हैं, 1463 / 2^7 11.9687 वही आंसर आ गया, आ गया ना वही आंसर है, आंसर 13 नहीं है सर, वो 11 है। तो देखें वो मतलब ये मैंने क्या किया कि इसको मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता था कैलकुलेटर पे, जिनके पास कैलकुलेटर है बाइनरी वाले वो देखेंगे 32 बिट का या नंबर आराम से कैलकुलेटर पे कन्वर्ट हो जाता है डेसिमल में, लेकिन फ्रैक्शन नहीं, डॉट नहीं अलाउ करेगा, डॉट प्रेस करो। तो उसको करने का तरीका यही है कि आप पहले इसको
डेसिमल पॉइंट को, बाइनरी पॉइंट को इधर ले जाएं। इधर ले जाने के लिए क्या करेंगे आप, उसको 2 raise power n से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इस नंबर को आप एंटर करना पड़ेगा, कर सकते हैं कैलकुलेटर में, इसमें डेसिमल पॉइंट एंटर करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आप ये आ गया, जो 2 power 7 से मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड भी कर दें वापस, तो यू गेट योर आंसर बैक, वही आंसर आ जाए। इसी की एक उल्टा भी काम हो सकता है, जैसे ये वाला नंबर है, कोई नंबर बताएं फ्रैक्शन भी हो जिसमें और इंटीजर पार्ट भी हो, डेसिमल नहीं, नहीं ये नहीं करना यार। पाई है, ये हमने दूसरी क्लास में किया था, उनके नोट्स देखेंगे ना तो उसमें आपको एक और एग्जांपल इसी की मिल जाएगी। कोई और बताएं, पाई तो ऑलरेडी हमने कर ली है तो अब हम पाई साहब को दोबारा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कोई और नंबर बताएं, इंटीजर पार्ट कोई नहीं है बताएं फिर। टू पॉइंट सेवन वन एट बस 281, चलो ये इतना कर लेते हैं। अब इसको मैं कोई कहता है इसको के, इसको आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करें, टोटल जो नंबर है ना अप्रॉक्सीमेट कन्वर्जन होगी, टोटल नंबर जो है ना इसमें वो होना चाहिए, कितने बिट का होना चाहिए है, 32 तो बहुत ज्यादा है यार, 11 बिट का होना चाहिए फर्ज करें है। वैसे ही मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं तो गेस नहीं करूंगा, मेरे मर्जी होगी, एज ए टीचर आई कैन एंजॉय माय, यू नो दिस इज माय प्रीरोगेटिव, आई कैन डू एनीथिंग आई वांट यार, सो आई कैन से लेट्स से इसको मैंने करना है 10 बिट का करना है या 11 बिट का करना है, 10 बिट का करना है या 11 बिट का, कितने का करें कोई बता दें, 10 बिट का करना है। तो इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये किसके बराबर आएगा, 10। अब ये रह गया, ये कैलकुलेटर इसको बाइनरी में पॉइंट्स को बाइनरी में नहीं कन्वर्ट करता, तो मैं क्या करूं कि सेवन वही काम करूंगा, 7.718281 को कितने डेसिमल प्लेसेस तक अब मुझे जाना है, 10 थे ना टोटल, 2 तो इधर यूज हो गए, बाकी कितने बच गए 8, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 raise power 8 कर दूं, 0.718 को 2 raise power 8 से मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आएगा, then इसको पॉइंट को रहने दें क्योंकि वो इसका मतलब उसके लिए भी ज्यादा 8 बिट से ज्यादा प्रसीजन चाहिए, हमने 8 बिट तक ही जा सकते हैं, प्रसीजन हमारी 8 बिट की है। 183 को करें कन्वर्ट बाइनरी में, ये भी कर लेगा वो बाइनरी में कन्वर्ट आपका कैलकुलेटर, ये किसके बराबर आता है, इसमें से 128 निकालें, 1 लगाया 55 बचिए, 55 में से क्या निकालें, 64 नहीं है इसके अंदर है ना, 64 नहीं है 32 है, 32 निकालें, 23 वन इसके अंदर, ये 32 वाली हो गई बीच, अब इसमें 16 वाली भी है, 16 निकाल दें, बाकी कितने बचे हैं, 7, दो मुझे बता 7011 के बराबर, 8 वाली नहीं है ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये नंबर आ गया 10 पॉइंट। अब इसको दोबारा जब 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, जब 8 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया था तो 8 से डिवाइड करूंगा जब इस नंबर को, तो क्या होगा, 8 टाइम डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे आ जाएगा, तो ये वाला नंबर फ्रैक्शन पार्ट आपका आ गया 10110111।
अब इसको पेपर मेथड से इसको कंफर्म करके देखते हैं, तो व्हाट इज दिस इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट, तो दिस इज इक्वल टू वन इंटू टू प्लस वन इंटू टू रेस पावर माइनस सेवन प्लस वन इंटू टू रेस पावर माइनस सिक्स प्लस वन इंटू टू रेस पावर माइनस फोर, फाइव वाली नहीं है, प्लस वन इंटू टू रेस पावर माइनस थ्री, टू वाली नहीं है, प्लस वन इंटू टू रेस पावर माइनस वन। इस वन का मतलब पता है मुझे कि इसका मतलब है कि फ्रैक्शन ऑफ पार्ट पॉइंट फाइव से ज्यादा, पॉइंट वन पॉइंट फाइव के बराबर होता है ना, तो इसका मतलब ये वाला अगर फाइव से ज्यादा तो ये पहले यहाँ वन जरूर आएगा। एनीवे तो इसको करें तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू वन ओवर टू प्लस वन ओवर एट प्लस वन ओवर थर्टी टू, सिक्सटीन वाला मिसिंग है, प्लस वन ओवर थर्टी टू सिक्सटी फोर प्लस वन ओवर ट्वेंटी एट प्लस वन ओवर 256, इन सबको ऐड करें, कोई करेगा then, इन सबको ऐड करें तो ना ही आता, मान नहीं सकता मैं, पॉइंट सिक्स एट वन क्या वन ओवर फोर वाला, ये वन ओवर टू है, वन ओवर फोर वाला नहीं है, वन ओवर एट वाला है, वन ओवर सिक्सटीन वाला है, वन ओवर थर्टी टू वाला नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, आप करें मैं फर्क कैसे आ गया, ये तो जमीन आसमान का फर्क है, पॉइंट सेवन वन फोर एट सिक्स, तो ये 10 बिट में ये वाला नंबर जो है ना ये इसी में ही रिप्रेजेंट हो सकता है, दो बिट ये आ गई 10 वाली 2 की और बाकी 10 बिट में ये आ गया, तो ये नंबर एक्चुअली ये नंबर बन जाता है इक्वल टू 2.71486, ये इससे थोड़ा सा फर्क है, अगर हमने बिट्स भी तो थोड़ी ली है ना, जितनी ज्यादा बिट में करेंगे उतना ये इसके करीब जाएगा, और शायद इंफिनिटी बिट्स के साथ भी ये उसके करीब ना जाए, एग्जैक्टली बराबर ना हो, ए नंबर वेरी मच रैशनल इन डेसिमल प्लेस, डेसिमल सिस्टम मे नॉट बी रैशनल इन बाइनरी। दिस कन्वर्जन मे टर्न इनटू एन इरेशनल बाइनरी नंबर, जाई जा रहा है जाई जा रहा है जाई जा रहा है, तो ये है, तो फर्ज करें मैं आपसे कहूं कि कोई नंबर बताएं डेसिमल का, इंटीजर दो तीन बिट का इंटीजर, नाइन्टी टू, ठीक है, कोई बताएं जल्दी से, दो डिजिट का डेसिमल नंबर बताना, इतनी देर लगा दी आपने, वो ऊपर लिखा हुआ 74 वो यूज कर ले, हाँ 74 प्रॉब्लम, कन्वर्ट दिस इंटू 10 बिट बाइनरी नंबर, इस दो डिजिट का नंबर मैंने कहा था बताएं, 74 दो डिजिट का है, इसका अंडर रूट आपने 10 बिट बाइनरी नंबर में मुझे देना है, इसका अंडर रूट करें, जरा देखते हैं कैसे, आपके पास कैलकुलेटर ले आया करें, और करें जरा,
74 का अंडर रूट क्या आता है? इसका मतलब 4 बिट तो आपकी आ जाएंगी उसके अंदर इंटीजर, सॉरी इंटीजर पार्ट, और बाकी 6 बच जाएंगी डेसिमल पार्ट। तो थोड़ा ही है, ज्यादा काम नहीं है ये बड़ा। एरर भी बतानी है कितनी एरर आई है 10 बिट में कन्वर्ट करने से। एक्चुअल 74 को आप ले लें, 5 डिजिट का नंबर ले लें, तो 8 पॉइंट जो भी आता है। कर लिया किसी ने? जैन कर लिया? कर लिया? कर भी लिए? करे बताए भी, समझाए भी जरा सबको। सारे नालायक समझे के बैठे हुए हैं, नहीं है, लेकिन आप थोड़ी देर के समझे सारे। कर लिया आपने? चले अब इनके लिए ढेर सारी तालियां। जो पहले आए उसको तालियां तो बजानी चाहिए उसके लिए, तो बनती है कि नहीं? ये कैसे ही है? सही है भाई? थर्टी एट कैसे निकाला है? हाँ तो क्या आंसर आया? 2 से 6 से मल्टीप्लाई करना। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ढेर सारी तालियां। नहीं चले रहने, पहले बजा ली थी हमने काफी। राइट, तो ये वैसे देख लेते हैं कि ये फ्रैक्शन में कितना एरर कितनी आई है। तो 0.100110 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 मिसिंग, 8 मिसिंग, 1/16 प्लस 1/32। हाँ भाई जैन, किसके बराबर है ये? सिक्स जीरो के करीब करीब ये पहुंच गया, तो थोड़ी सी एरर आएगी, थोड़ी सी एरर आएगी, क्योंकि हमारे पास आपका जो डबल होता है वो तो मेरा 80 बिट होता है डबल, और जो वैसे फ्रैक्शन होती है उसको कैसे कहते हैं, फ्रैक कहते हैं, क्या कहते हैं, जो सी में फ्लोट कहते हैं ना, फ्लोट जो है वो 64 बिट का होता है, ये डबल जो है वो 80 बिट का होता है शायद, या आई डोंट नो 128 बिट का भी हो सकता है। इसे बिग बिग मैसिव नंबर, मैसिव नंबर, तो उसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आगे चली जाती है फिर। तो पाई तो कितने बाइनरी प्लेस तक उसमें आप निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो दिस इज इट। एक चीज और है, वो है कन्वर्जन फ्रॉम हेक्स टू डेसिमल। अब हेक्स नंबर जो है वो उनका कोई यूज नहीं कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर्स
बाइनरी में काम करता है, जब उसने उस किसी नंबर को इंसानों को देना होता है, सीओ प्रोटीन में से गुजरता है, वहां से स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है और हमें वो नंबर लिखा हुआ नजर आता है। अगर नेगेटिव नंबर है तो वो स्ट्रिंग में से गुजरता है, स्ट्रिंग पहले माइनस के ASCII प्रिंट करती है, फिर आगे वो नंबर प्रिंट कर देती है। बेसिकली ASCII स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर सी आउट में से गुजरता है, आ जाता है। तो कंप्यूटर कभी हेक्स में नहीं, हेक्स का कंप्यूटर को नहीं पता कुछ। फिर हेक्स का क्या फायदा है? इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर इंजीनियर्स पीपल जो के खेलते हैं सिस्टम लेवल पे, उनके लिए हेक्स नंबर बड़े इम्पोर्टेंट है। व्हाई? आंसर टू दिस इज आई एम टेलिंग यू दिस टुडे, सो जस्ट याद रखें, ये मैंने बहुत एक आपको कीमती बात बताने जा रहा हूँ कि हेक्स नंबरों का फायदा क्या है। ओके, वो ये है कि अगर आप ऐसे हेक्स काउंटिंग देखें, वो चलती है 0000 से 0, 0001 से 1 अप टू 9, 10109। उसके बाद तो हमारे वो हेक्स काउंटिंग शुरू है, ए और ये है 1011 बी, 1100 सी, 1101 डी, 1110 टी, 1111 एफ। ये इस तरह से हेक्स काउंटिंग जाती है और इसका यूज सिर्फ एक ही है। यूज क्या है कि क्या यूज है इसका बताएगा कोई? नो, कोई यूज नहीं है इसका। मेमोरी एड्रेस पे वैसे लोग क्या देते हैं, मेमोरी एड्रेस में यूज होता है, कोई इसका यूज नहीं है। कोई यूज नहीं है इसका। अब मैं आपको बताता हूँ यूज है कहाँ पे है इसका एक्चुअली। अब ये कि अगर आपके पास एक नंबर है, 32 बिट का नंबर है, 1101 1010 1100 0 1011, मैं लिखी जा रहा हूँ, 32 बिट का नंबर लिखने में मुझे कितनी देर लग रही है। अभी मैंने कितने लिखे हैं? 16 ही लिखे हैं अभी। ये अब कहीं जाके 132 पूरे हुए हैं। ये 32 बिट का नंबर है एक। ये तो वो क्या करते हैं कि इतना नंबर, बड़े बड़े नंबर, आप जब डिबग कर रहे हो किसी कोड को, तो आपके सामने नंबर आ रहे होते हैं ढेर सारे इंजीनियर के, तो उसमें वो आप इतने बड़े बड़े नंबर आएंगे तो स्क्रीन में क्या शो करेंगे? 64 बिट का नंबर। उसका तरीका फिर ये कि इनको कंप्रेस करो, जिप करो इनको। जब इनको जिप करने का आसान तरीका था कि इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो। हेक्स में कन्वर्ट करने का तरीका यही है कि एक चार का उठाओ, ये 8 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा बी, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा बी अगेन 8, फिर बी आ गया और फिर डी। तो दिस इज बी बी 8 बी 7 बी 1 8। This is 0x जिसको कहते हैं ना, 0x, ये 32 बिट का हेक्स नंबर। अब इसको लिखने में और इसको लिखने में कितनी आसानी होगी? ये कंप्रेशन है बस, और इसका कोई यूज नहीं, कोई यूज नहीं है कंप्यूटर में। सिर्फ इंजीनियर्स नंबर, उनको इसको देख के उनको पता लग जाता है, अच्छा यार पहले 3 बिट 0 है और फिर बीच में 3 बिट और 0 आ रही हैं, इस तरह से उनको पता लग जाता है। अगर वो बिट में जाते हैं ना, उनको पता लग जाता है। एक तो ये बात है। दूसरा जो इसका मेजर यूज है वो ये है कि जब आप कोड डिबग कर रहे होते हैं तो आप फंक्शन कॉल करते हैं। आपको किसी ने दिया हुआ बाइनरी कोड, हम उसका फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन जो कॉल होता है ना वो उसका एक स्टार्टिंग डेस्क होता है, पॉइंटर होता है, जहां से वो फंक्शन का कोड स्टार्ट हो रहा है। एक्सेस नहीं करते, लेकिन उसका स्टार्टिंग डेस्क होता है जहां से उसका कोड इंस्ट्रक्शन में, इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टार्ट होता है। अब जब वो फंक्शन कॉल करते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग डेस्क है या उसका जो
एक रिटर्न एड्रेस है वो स्टैक में पुश हो जाता है, तो जिन्होंने डिबग करना होता है ना उनको स्टैक में वो वाला रेक्स कोड नजर आता है, उसको पता लग जाता है कि हाँ अब हम इस फंक्शन के अंदर हैं। तो क्योंकि ये रन टाइम पे ये कोड चेंज ही नहीं हो सकता फंक्शन का, तो वो स्टैक को स्टैक भी नीचे लिखी हुई है, स्टैक डंप आ रहा होता है जब आप डिबग कर रहे होते हैं, स्टैक डंप से उनको पता लग जाता है ये किस 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 फंक्शन के अंदर हम इस पर बैठे हुए, हेक्स नंबर को देख के पता लग जाता है कि हम कहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि उनको सारे फंक्शन के हेक्स नंबर थोड़ी देर में याद हो जाते हैं कि ये जो फंक्शन है जो मैक्सिमम फाइंड करता है एक रे में से इसका स्टार्टिंग एड्रेस ये है, अगर स्टैक में कुछ है इसका मतलब ये कि मैं मैक्सिमम वाले कोड में गया हुआ, एक ही एड्रेस बार बार पुश हो रहा है तो इसका मतलब है उसको पता लग जाता है कि रिकर्जन में जा रहे हैं, बाइनरी नंबर लिखे हैं वो बड़े बड़े से उसको तो कोई समझ नहीं आए, तो उसको पॉइंटर देती है वो हेक्स में लिखते हैं उनको देखे आप हैरान होंगे वो हेक्स में जिंदा रहते हैं, और जिस कोड को उन्होंने रिवर्स इंजीनियर करना हो किसी को भी तो आप उसका स्टैक से पता लगा सकते हैं कि ये कोड कौन कौन से फंक्शन कॉल कर रहा है, क्योंकि स्टैक प्रोसेसर की एक ही होती है, और वर्चुअल मेमोरी सिस्टम में जब एक फंक्शन कॉल करते हैं तो हमेशा जहां भी वो एप्लीकेशन लोड होगी उसका वो स्टार्टिंग एड्रेस वही होगा, ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। वर्चुअल मेमोरी सिस्टम जो है ना एप्लीकेशन को यही एल्यूजन देती है कि इसका स्टार्टिंग एड्रेस वो है, बट ना वर्चुअल मेमोरी सिस्टम ना हो, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो मैंने देखा है लोगों को, मतलब खुद भी देखा है कि जब आप इंस्ट्रक्शन लेवल में जाके डिबगिंग करते हैं तो आपके साथ इधर स्टैक में लिखा आ रहा था कि किस किस कौन कौन से डैश पुश हुए हैं, बाय जस्ट लुकिंग एट 32 बिट हेक्स नंबर और 64 बिट हेक्स नंबर, वो आपको पता लग जाता है कि ये क्या कहां पे या किस फंक्शन के अंदर है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, हेक्स नंबर का सिर्फ ये यूज है कि ये इंसानों को बाइनरी नंबर कंप्रेस करके दिखाते, और कोई यूज नहीं। अगर कोई आपने बड़ा सा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है 10111.0001101, इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है हेक्स में कैसे करेंगे, अब ये तो बाइनरी भी कन्वर्ट हो सकता है हेक्स में, अब कोई प्रैक्टिकल यूज इसका नहीं है, कहीं भी आपको पॉइंटर तो हो ही नहीं सकते बाइनरी, उसमें हो ही नहीं सकता फ्रैक्शन पार्ट, हो ही नहीं सकता पॉइंटर आर ऑलवेज अनसाइंड इंटीजर्स, पॉइंटर्स आर नेवर नेगेटिव, पॉइंटर कभी नहीं होता, तो हो ही नहीं सकते कि वो हेक्स में उनको हेक्स का वैसे रियल इस तरह के नंबर में कोई यूज नहीं, लेकिन खैर हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हेक्स में। ये करते हैं कि हेक्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से चार का पेयर बनाना शुरू कर दे, तो अगर आगे अगर पूरे चार नहीं तो हम 0 0 लगा दें, चार का पूरा हो जाएगा, चार चक्के जैन, और इसका ये मतलब नहीं अब हम सच के बातें करना शुरू कर दो आप, ये सारा है आपको। हाँ इधर भी देखें ये एक 0 एक्स्ट्रा लगा लेते हैं चार पूरे करने के लिए, इधर भी 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये नंबर किसके बराबर होगा इन हेक्स, दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज 1 अगेन, 1010 किसके बराबर होता है 1, दिस इज 7.18/16 नहीं कर सकते ना, करूंगा मैं वो तो नंबर ही चेंज हो जाएगा, जितनी मर्जी 0 ऐड करो, चार का मैंने पेयर बनाना है ना तो चार में अब एक 1 का क्या पेयर बनाओ, तो उसको चार पूरे करने के लिए मैं साथ में 0 लगा देता, तो हेक्स नंबर मल्टीपल ऑफ 4 ही बाइनरी हो सकते हैं, इसको अगर मैं तो बाइनरी में कन्वर्ट करें तो दिस विल बी 0001
seven will be 0111 point. This one will be 0001, and A will be 101. Hex mein one is hex point one in hex is very small number. Point one in hex is 1/16. वही 16 और 1/16 की पावर 2 माइनस 1/1 वही वाला फार्मूला यूज होगा ना. 1/1 × 16 की पावर माइनस 1 प्लस 1 × 6 पावर माइनस 2 हेक्स में तो लेकिन करता कोई नहीं, कोई यूज इसका नहीं है मैं बता रहा हूँ. बट एनीवे दिस इज 1/16 व्हिच इज अ वेरी स्मॉल नंबर एक्चुअली. 0.1 इन बेस 16 में ये किसके बराबर है? 0.1 कोई पूछे आपसे व्हाट इज दिस इक्वल टू बेस 16, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना आपने इसमें. दिस इज इक्वल टू 0000.0001. And that is equal to 1/16. तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप, या वैसे ही इसको डायरेक्टली पहले डिजिट को 16 से डिवाइड करेंगे, दूसरे को 16 के पावर 2 256 से डिवाइड करेंगे. इस तरह से जैसे 10 में डेसिमल में 10 100 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 16 256 और इस तरह से चलता जाता है. 8192 ठीक है. आज के लिए इतने काफी मेरा ख्याल है ना. तो अगली दफा क्विज होगा है? अगले वीक में कर लेंगे किसी दिन चले. लेकिन सर ये बाइनरी कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, फ्रैक्शन नंबर करने होंगे आपने, कुछ भी नहीं है इसमें यार, इतना क्यों परेशान हो जाते हैं आप. गुड पॉइंट. हाँ जब आपने डेसिमल टू हेक्स जाना है ना, तो नेवर गो डायरेक्टली, नेवर. द रूट इज टू गो फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, देन कंप्लीट द फोर के पेयर ग्रुप्स कंप्लीट करो दोनों साइडों पे, एंड देन राइट हेक्स कोड. That's very good point. Never try to write by decimal to hex directly. Which that's not advised at all. ये जो है ना वो पाकिस्तान के आईन में लिखा हुआ है कि आपने डायरेक्ट जो है डेसिमल से हेक्स में नहीं जाना. और उसका आईन का पता नहीं कौन सी उसकी पता है कौन सी आईन की है ये वाली आर्टिकल कौन सा आईन का? आर्टिकल 6 है. आर्टिकल जे 6. हाँ डू नॉट कन्वर्ट सर. टेनिस के मास्टर.